हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति आपसे ब्लैंक पेपर पर अगर साइन करवा लेता है और बाद में उसका मिसयूज हो सकता है या फिर बाद में उसका मिसयूज किया जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। आप अगर मान लीजिए कि किसी ने ब्लैंक पेपर पर साइन करवाया लेकिन अभी उसका मिसयूज हुआ नहीं है, लेकिन आपको डर है कि उस कागज का जो है मिसयूज हो सकता है, तो आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे जो है उस कागज का जो ब्लैंक पेपर पर आपने जो साइन किए हैं उसका मिसयूज ना हो, और क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं, और अगर मान लीजिए मिसयूज हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें तो कई बार कई लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि जो है उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, उसे प्रेशराइज किया जाता है, उसे धमकी दी जाती है कि वो कोरे कागज पर, ब्लैंक पेपर के ऊपर वो साइन करके दे दे, अदरवाइज काफी जो है उसको धमकी या दबाव उसके ऊपर होता है। और कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि वो उस समय वो साइन करने से मना नहीं कर पाता है, लेकिन बाद में उस व्यक्ति को ये डर रहता है कि उसका जो जो है ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन लिया गया है उसमें कुछ भी अगर लिख दिया जाएगा या फिर जो है उसका मिसयूज हो जाएगा तो फिर वो कैसे बचे, उस चीज से कैसे उसमें जैसे निकले, वो कई बार वो उलझनों में ही रहते हैं। क्योंकि जनरली अगर ब्लैंक पेपर के ऊपर अगर कुछ जो साइन लिया गया है तो उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, कुछ कोई पैसों का व्यवहार लिखवा दिया जाएगा या फिर प्रॉपर्टी लिखवा दी जाएगी या फिर कोई भी बड़ा डील एग्रीमेंट या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन जो कि वन साइड फेवर करता होगा उस टाइप का एग्रीमेंट वहां पर बना दिया जाएगा या फिर वसीयत तक भी लिखवा जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो अगर मान लीजिए कि किसी ने ऐसा ब्लैंक पेपर पर लिख लिया, साइन करवा ली तो उस पेपर का मिसयूज ना हो तो क्या करें। तो पहले सबसे पहला तो आपको बताऊं कि जो आपने अगर ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन किया है तो ये आप तो सबसे डिनाई नहीं हो सकता कि ये आपका साइन नहीं है क्योंकि आपका ओरिजिनल साइन है। तो अब बात आती है कि उस पेपर में जो लिखा है कंटेंट उससे आप सहमत है या नहीं है, और ये दबाव में लिखवाया गया, प्रेशर में लिखवाया गया, धमकी के आधार पर लिखवाया गया, उसे कैसे साबित करें और उससे कैसे बचे। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जब कोई व्यक्ति इस तरीके का ब्लैंक पेपर पर अगर साइन ले लेता है और फिर जब चला जाता है तो बाद में आप पहले आपको ये करना है कि जल्द से जल्द उसके ऊपर कानूनी जो है कार्यवाही किए करे करवाए क्या कि नोटिस सेंड करे, उसे नोटिस सेंड करे कि आपने इस तारीख को ऐसी ऐसी कंडीशनों के होने के कारण कुछ ब्लैंक पेपर के ऊपर या एक ब्लैंक पेपर के ऊपर जितने भी साइन की है आपने उसके ऊपर कि इतने ब्लैंक पेपर के ऊपर आपने साइन ली है और आपने ये कारण बताकर ये साइन ली थी तो उसका मिसयूज ना करे और जो है ब्लैंक पेपर जो साइन वाले ब्लैंक पेपर है वो जल्द से जल्द लौटा दे, यानी कि आपको एक नोटिस सेंड कर देनी है। इसके साथ साथ आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप जो न्यूज़पेपर में भी प्रिंट करा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने इस तरीके का जो है ब्लैंक पेपर के ऊपर जो है साइन लिया है तो अगर इस तरीके की कोई डील आती है या मेरे नाम से इस तरीके का कुछ अग्रीमेंट होता है तो उसे जो ना माना जाए क्योंकि यहाँ पर जो है पेपर जो पेपर थे उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं था और मैंने उस पर साइन किया है। तो आप न्यूज़पेपर में भी आप ये पब्लिश कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो आपके पास एक बेस रहेगा कि आपने ब्लैंक पेपर पर साइन किया था ना कि कोई रिटन एग्रीमेंट के ऊपर, ये आपके पास ऑप्शन रहता है। दूसरा एक ऑप्शन रहता है कि आप उस व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं कि आपको डराया गया, धमकाया गया, आपको दबाव में रखकर साइन करवाएगी, उसके आधार पर आप एक क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सिविल केस भी फाइल कर सकते हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट जब उसके ऊपर कुछ लिख दिया है और एग्रीमेंट बना दिया है
तो वो एग्रीमेंट को जो है वॉइड करने के लिए यानी कि रद्द कराने के लिए कोर्ट केस, सिविल केस भी आप कर सकते हैं, रिलीफ मांग सकते हैं कोर्ट से कि इस एग्रीमेंट में जो लिखा गया है मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, मुझे बताया नहीं और मुझे इसमें दबाव में प्रेशर में रखकर धमकी देकर इस तरीके का साइन लिया गया, तो आप सिविल केस करके उस एग्रीमेंट को जो है रद्द कराने के लिए प्रोसीजर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि एग्रीमेंट को रद्द कराए तो किस आधार पर करा सकते हैं और उसे रद्द कब माना जाएगा, कोर्ट में उसे रद्द कब माना जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो कोई भी एग्रीमेंट होता है तो वो भारत के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आधार पर होता है, उसमें बताई गई जो है सेक्शंस और जो कंडीशन है उसके आधार पर ही वैलिड या इनवैलिड माना जाता है। तो कोई भी एग्रीमेंट जो फ्री कंसर्न नहीं होता है, यानी फ्री कंसर्न यानी कि स्वेच्छा से किया हुआ, होशो हवास में किया हुआ, कोई भी लोभ लालच दबाव प्रेशर धमकी के बिना किया हुआ एग्रीमेंट को ही यहाँ पर वैलिड एग्रीमेंट माना जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे जो ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन करवा लेता है और उसमें कुछ लिख देता है तो आपको कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो एग्रीमेंट है उसमें पहले लिखा नहीं गया था और जब साइन की और ये एग्रीमेंट उस पर जो दबाव में रखकर धमकी देकर इस तरीके का साइन यहाँ पर लिया गया है और इसमें जो लिखा है वो पता ही नहीं है, तो इस तरीके का फ्री कंसेंट नहीं है ये एग्रीमेंट, ये आपको साबित करना पड़ेगा। और आप जैसे वो फ्री कंसेंट नहीं है ऐसा साबित हो जाता है तो वो एग्रीमेंट ऑटोमेटिक कोर्ट उसे नल एंड वॉइड कर देगी। तो बेसिकली ये रहता है कि आपको कोर्ट में ये साबित कर देना पड़ेगा कि ये फ्री कंसेंट एग्रीमेंट नहीं था। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि ब्लैंक पेपर पर साइन तो किए है, अरे यार दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करें तो कई लोग ये सोचते हैं कि ब्लैंक पेपर पर ही साइन किए ना, उसमें कुछ लिखा नहीं है, ना ही कोई गवाह की साइन है, ना ही कोई स्टैम्प पेपर है, तो उसमें क्या कुछ मेजर नुकसान हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, कई बार कुछ लोगों का ये भी मानना होता है। लेकिन आपको मैं बात बता दूं कि बहुत कम ऐसे एग्रीमेंट या है कि जिसमें आपको गवाह की जरूरत है या फिर जो है स्टैम्प पेपर की जरूरत है। कई एग्रीमेंट होते हैं जो कि 1-to-1 होते हैं और उसमें कई बार गवाह नेसेसरी नहीं होते, कई बार उसमें नोटराइज भी इतना जरूरी नहीं होता है, स्टैम्प पेपर तक की जरूरत नहीं होती है। कई बार जो एग्रीमेंट होते हैं वो लेटर पेड पर भी उसे इतना ही वैल्यू माना जाता है, वैलिड माना जाता है जितना एक स्टैम्प पेपर पर माना जाता है। तो कई एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो कि दो पर्सन आपस में ही कर सकते हैं, उसके लिए कोई जो है गवाह साक्षी की यहाँ पर जरूरत ना के बराबर पड़ती है, कई बार पड़ती ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपने ब्लैंक पेपर के ऊपर अगर साइन करा दिया है तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा, आपको संभल कर रहना चाहिए, आपको जो भी जल्द से जल्द है कानूनी की कार्यवाही यहाँ पर उसके करनी चाहिए ताकि जो बड़ी मुसीबत में से आप बच सकते हैं। अगर आपको एक और बात बता दूं कि जब भी आप अगर ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन करते हैं तो आपको उसका फोटो कॉपी भी निकाल लेना चाहिए, मतलब फोटो लेना चाहिए ताकि इन फ्यूचर अगर उसमें कुछ ऐसा लिखा जाए जो कि एक बायस तरीके से लिखा गया हो या उसका मिसयूज हो जाए तो आप बता सके कि ये पेपर जिस पर आपने साइन किया था वो ब्लैंक था। और इसके साथ साथ आप उसमें डेट भी लिख सकते हैं साइन के बाजू में कि किस तारीख को आपने साइन किया था क्या था, और शॉर्ट में अगर रीजन लिखवाना चाहते हैं कि ये केवल साइन ब्लैंक पेपर पर इस पर्पस के कारण ही ये लिया गया है तो आप शॉर्ट में वहां पर भी लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें अगर आप लिखते हैं कि तारीख लिख देते हैं या शॉर्ट में कुछ जो भी रीजन है वो लिखते हैं तो उसका मिसयूज होने से काफी हद तक बचाया जा सकता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन कि अगर किसी व्यक्ति ने ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन कर दिया है या करवा दिया है तो अगर मिसयूज कोई करता है या कर सकता है तो क्या क्या स्टेप्स अवेलेबल है। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।